देखो अब मैं आपको आर्गुमेंट निकालने का एक फार्मूला बता देता हूँ जिससे कि हम आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे अगर कभी z इक्वल टू x प्लस आयोटा y दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan अल्फा बराबर मॉड y अपॉन मॉड x को लगाएंगे, मॉड लगा देंगे इसमें। इससे अल्फा एक एंगल निकलेगा 0 और 90 के बीच में हमेशा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इससे एक एंगल निकलेगा। अब देखो अगर आपका x और y दोनों पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब अगर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में जाएगा। फर्स्ट में जाएगा तो जो हमारा आर्गुमेंट है वो इसी अल्फा के ही बराबर रहेगा, है ना, यहाँ पर आर्गुमेंट अल्फा ही रहेगा, ठीक। अगर मान लो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव है ना, अगर मान लो x है नेगेटिव और y है पॉजिटिव तो ऐसे में कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड में जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड में जाएगा तो देखो जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, है ना, यहाँ पर आर्गुमेंट अल्फा रहेगा और यहाँ पर आर्गुमेंट 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो दोनों ही नेगेटिव हैं, मतलब देखो अगर मान लो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में जाएगा, और थर्ड में जाने का मतलब जो हमारा आर्गुमेंट है, देखो इसे सेकंड में हो गया 180 माइनस अल्फा और थर्ड में हो जाएगा 180 प्लस अल्फा, तो जो हमारा आर्गुमेंट है वो हो जाएगा 180 प्लस अल्फा। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ मतलब फोर्थ में आ गया, यानी कि देखो x हो गया पॉजिटिव और y हो गया नेगेटिव तो ये फोर्थ में आ गया, और फोर्थ में आने का मतलब जो हमारा आर्गुमेंट है वो 360 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो 360 माइनस अल्फा हो जाएगा, ध्यान दो। तो मतलब इनको हम शॉर्टकट फार्मूले कह सकते हैं कि भाई ये अल्फा सेकेंड में आया, फिर भी आपको देखना तो पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, है ना। और अगर x y 0 हो गया तो समस्या, अब देखो जैसे मान लो अगर हम कह दें x 0 हो गया, x 0 हो गया तो क्या हुआ, देखो y पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर x 0 हो गया, y पॉजिटिव हो गया तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो आर्गुमेंट 90 हो जाएगा, है ना, यहां पर हमारा आर्गुमेंट जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर x 0 है y नेगेटिव तो पॉइंट नीचे आएगा, ऐसे केस में हमारा आर्गुमेंट जो है वो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर मान लो मैंने y 0 ले लिया तो x के दो केस होंगे, x पॉजिटिव और देखो x नेगेटिव, ठीक है। अगर y 0 हो गया और x पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब ये राइट साइड में जाएगा और ऐसे में आर्गुमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर x नेगेटिव हुआ तो ऐसे में आर्गुमेंट हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। अब हाँ देखो एक पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि x और y दोनों ही 0 हो जाए, इसका मतलब हम z इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। अब देखो अगर z इक्वल टू 0 है तो इसका मॉडुलस तो 0 ही होगा, लेकिन ध्यान देना अब यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला लगाओगे तो 0 अपॉन 0 मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इस केस में हम कहेंगे इसका आर्गुमेंट जो है वो नॉट डिफाइंड है, ध्यान देना नॉट डिफाइंड, मतलब अगर हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, तो टेन अल्फा का फार्मूला वो जीरो बाय जीरो मतलब अनडिफाइंड बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट नॉट डिफाइंड कहा जाएगा, इस बात को याद कर लो, ठीक है। लिखो इस बातें जरा ध्यान से पहले।